राम राम सभी को, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये है ऑल न्यू होंडा की एलिवेट। इसके वेरिएंट की बात करें तो ये VX वाला है, CVT गियरबॉक्स के साथ में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर। इस वेरिएंट के अंदर आपको मिलता है 7 डिफरेंट कलर के ऑप्शन। आज जो मेरे साथ है इसका व्हाइट कलर है। कार के साथ मिलती है इस टाइप की आपको दो रिमोट कंट्रोल की, यहाँ पर मिलता है आपको लॉक के लिए और अनलॉक के लिए। लॉक अनलॉक पे इसके मिरर फोल्ड भी हो जाते हैं और अनफोल्ड भी हो जाते हैं, और बाहर से आप कार को स्टार्ट भी कर सकते हैं इस बटन को होल्ड करके रख के, और ये ऑफ भी हो जाएगी। इधर मिल जाता है आपको फिजिकल की निकालने का ऑप्शन इन केस इसकी बैटरी लो हो जाती है तो, कार को लॉक और अनलॉक करने के लिए। यहाँ पे आपको होंडा का लोगो मिल जाता है। कार का फ्रंट लुक कुछ ऐसा देखने मिलता है, ग्रिल आपको कुछ ऐसे देखने मिलती है, सेंटर में आपको होंडा का लोगो मिल जाता है या नंबर प्लेट की प्लेसमेंट। यहाँ पे स्किड प्लेट देख सकते हैं, फ्रंट वाली आपको सिल्वर फिनिश में मिलती है। इधर आपको टोइंग हुक के लिए मिल जाता है, देख सकते हैं इसकी प्लेसमेंट यहाँ मिल जाती है। इसके फॉग लैंप की बात करें तो यहाँ पे आपको LED सेटअप मिल जाता है। ऊपर साइड मिल जाती है आपको DRL और इंडिकेटर टाइप, दोनों काम करने वाली है आपका ये LED मिल जाती है। जस्ट नीचे आपको यहाँ मिल जाता है प्रोजेक्टर, दो आपको LED सेटअप के अंदर प्रोजेक्टर मिल जाते हैं हाई और लो बीम के अंदर। कार का ओवरऑल लुक फ्रंट से ऐसा देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे आपको विंडशील्ड एरिया ऐसा देखने मिलता है। ऊपर साइड में आपको सनरूफ मिल जाता है, कंपनी से ही आपको यहाँ पे रूफ रेल मिल जाते हैं, और यहाँ पीछे साइड मिल जाता है आपको शार्फिन एंटीना। कार की और लुक साइड प्रोफाइल कुछ ऐसे देखने मिलती है, या 220mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर के अंदर आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। एलो व्हील दिखा देता हूँ पास से, देख सकते हैं एलो व्हील ऐसे कुछ देखने मिलते हैं। टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ मिलता है आपको 215/55 R17 इंच का आपको यहाँ पे एलो व्हील मिल जाता है ट्यूबलेस टायर के साथ में। या साइड देख सकते हैं क्लैडिंग आपको मैट फिनिश के अंदर मिलती है। यहाँ पे ORM की बात करें तो इलेक्ट्रिक फोल्ड हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक एडजस्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आपको बॉडी कलर मिल जाता है, इंडिकेटर लाइट आपको यहाँ मिल जाती है। जैसे देख सकते हैं अभी मैं कार को लॉक कर देता हूँ, चाबी जेब में रख देता हूँ, और जैसे ही यहाँ पे हाथ पुट करूँगा तो कार अपने आप अनलॉक हो जाएगी, और लॉक करने के लिए और अनलॉक करने के लिए बटन काम आएगा। इन केस बैटरी लो हो जाती है तो यहाँ पे आप फिजिकल की लगा के कार को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। इसके फ्रंट डोर की बात करें तो इतना वाइड ओपन हो जाएगा, और इसके रियर डोर की बात करें तो ये इतना वाइड ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको चाइल्ड लॉक लगाने के लिए मिल जाता है, और साइड में आपको यहाँ पे देख सकते हैं विंडोज़ एरिया के यहाँ पे क्रोम गार्निश भी मिल जाती है। डोरो कर देते हैं बंद और पीछे की साइड चलते हैं। कार की बैक प्रोफाइल कुछ ऐसे देखने मिलती है। रियर टेल लाइट की बात करें तो ये आपको LED मिल जाती है, इंडिकेटर लाइट और रिवर्स लाइट आपको हेलोजन सेटअप में मिलती है। चार आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको डिफोगर मिल जाता है, वाइपर मिल जाता है, और हाई स्टॉप लैंप मिल जाता है, और वॉशर आपको यहाँ मिल जाता है। अगर बूट एक्सेस करना है तो जस्ट नीचे आपको यहाँ बटन मिल जाता है तो ये इजीली ओपन हो जाएगा, और कैमरे की प्लेसमेंट आपको यहाँ मिल जाती है। स्पेस की बात करें तो 458 लीटर का यहाँ बूट स्पेस मिल जाता है, पार्शियल ट्रे मिल जाती है, बूट ओपन करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोलिक मिल जाता है, और बूट के अंदर आपको यहाँ हेलोजन सेटअप में लाइट मिल जाती है इन केस आपको रात के अंदर कोई दिक्कत आती है तो। ये आपको 60-40 का स्प्लिट मिल जाता है इन केस आपको ज़्यादा बूट स्पेस चाहिए तो। स्पेयर व्हील की बात करें तो यहाँ देखने को मिलते हैं, पाने वाने सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती है। इसकी टायर प्रोफाइल की बात करें तो एक साइज छोटा मिलता है, यानी आपको स्टील रिम मिलता है। टायर प्रोफाइल मिलती है आपको 215/60 R16 इंच का आपको स्टील रिम मिलता है। इसको कर देते हैं पैक, और यहाँ से आपको पूरा पैक मिल जाता है। यहाँ से पकड़ के आप इसको बंद कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। और इसकी वारंटी पीरियड की बात करें तो 3 साल की आपको वारंटी मिलती है अनलिमिटेड किलोमीटर के साथ में। अप टू चाहें तो आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। अब फ्रंट डोर की बात कर लेते हैं अपन, यहाँ से एक बार इग्निशन भी ऑन कर देते हैं। जैसे देख सकते हैं अभी इग्निशन ऑफ है, तो यहाँ पर इंजन स्टार्ट का बटन मिलता है। जैसे इसको मैं दबाऊँगा, एक बार चाबी इसके पास में ले आते हैं अपन, देख सकते हैं जैसे इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पे आपको रेड लाइट आ जाती है, जैसे इग्निशन इसका स्टार्ट होता है कुछ इस टाइप से। यहाँ पे बात करें तो वन टच डाउन मिल जाता है आपको ड्राइवर साइड में, और वन टच अप मिल जाता है। बाकी आपको नॉर्मल विंडो से कंट्रोल मिल जाते हैं, पीछे वाले विंडो को लॉक करने के लिए, कार को लॉक और अनलॉक करने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक मिरर को एडजस्ट करने के लिए मिल जाते हैं बटन, और फोल्ड करने के लिए मिल जाता है कुछ इस टाइप से, और अनफोल्ड के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फैब्रिक का यूज़ करा गया स्टिचेज के साथ में। ड्यूल टोन में आपको इंटीरियर मिल जाता है ब्लैक एंड बेज के अंदर। सिल्वर फिनिश में आपको यहाँ डोर हैंडल मिल जाता है, टूटे की प्लेसमेंट लिया है, स्पीकर की प्लेसमेंट लिया है, 1 लीटर की बोतल ले सकते हैं और छोटा मोटा सामान और रख सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन ऑफ करने के लिए बटन मिल जाता है, लाइट के लेवल सेट करने के लिए मिल जाता है, अप एंड डाउन करने के लिए। यहाँ से आप फ्यूल टैंक ओपन कर सकते हैं और इसका हुड ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे सिंबल भी बने हुए। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है तो यहाँ पे आपको पेडल भी मिल जाता है, रेड पेडल प्रॉपर। यहाँ पे आपको ब्रेक के लिए और एक्सेलेटर के लिए मिलता है। सीट की बात करें तो सीट आपको ड्यूल टोन मिलती है, बेज एंड ब्लैक के अंदर, स्टिचेस आपको वाइट में मिल जाती है। ये सीट मिलती है आपको 8-way एडजस्ट मैनुअल के अंदर, अप और डाउन के लिए, आगे और पीछे के लिए, और रिक्लाइन के लिए मिल जाता है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। 4 पैसेंजर वाली सीट मिलती है आपको 6-way एडजस्ट, तो ये 8 वो आपको 6 मिल जाती है, उसके अंदर आपको खाली अप एंड डाउन के लिए नहीं मिलता है। अब कार केबिन के अंदर चलते हैं, फिर इसके इंटीरियर के बारे में बात करते हैं।
कार का डैशबोर्ड कुछ ऐसा देखने में मिलता है। इसके इंटीरियर कलर की बात करें तो ड्यूल टोन में आपको इंटीरियर मिलता है ब्लैक एंड बेज के अंदर। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है 8 इंच की। इसके अंदर एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है, वायरलेस के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, FM और रेडियो मिल जाता है। इस वेरियंट के अंदर आपको 4 स्पीकर, 2 आपको ट्विटर मिलता है। ट्विटर की प्लेसमेंट आपको फ्रंट के अंदर मिलती है और स्पीकर की प्लेसमेंट आपको नीचे देखने मिलती है और 2 स्पीकर आपको पीछे की साइड मिल जाते हैं। यहाँ इंफोटेनमेंट स्क्रीन के अंदर आपको होम के लिए बटन मिलता है, बैक जाने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे आपको डिम करने के लिए मिल जाता है अगर नाइट के अंदर आप ड्राइव करते हैं तो उसके लिए, यहाँ पे वॉल्यूम के लिए बटन्स मिल जाते हैं और यहाँ पे ऑफ करने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए, फोन के लिए और एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो के लिए मिल जाता है और सेटिंग्स के लिए मिल जाता है। तो काफी सारे यहाँ ऑप्शन मिल जाते हैं डिवाइस लिस्ट के लिए, USB के लिए, RSD, साउंड, बीप और सिस्टम वॉल्यूम के लिए मिल जाता है। बैक जाने के लिए यहाँ मिल जाता है और इनकेस आपको यहाँ से भी जाने के लिए मिलता है बटन एक्स्ट्रा में। यहाँ पे आपको AC वेंट्स के लिए मिल जाता है, इस टाइप से इनको ऑपरेट कर सकते हैं। हैजर्ड लाइट के लिए कंट्रोल, ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, AC हीटर का दोनों काम करेगा। यहाँ से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं कुछ इस टाइप से, मैं ऑन करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे 18 पे कर देते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे आपको फैन की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए मिलते हैं बटन जो आपको मैनुअली ऑपरेट करने पड़ते हैं। यहाँ पे ऑटो के लिए बटन मिलता है, मैक्स कूल के लिए मिल जाता है, AC को ऑन ऑफ के लिए मिल जाता है, मोड के लिए मिल जाता है जिसके अंदर पैर पे हवा चाहिए, मुंह पे हवा चाहिए उसके लिए, फ्रंट और रियर के डिफोगर के लिए, बाहर के सर्कुलेशन को ऑन और ऑफ करने के लिए मिल जाता है और इधर AC को ऑन और ऑफ करने के लिए मिल जाता है। यहाँ डिजिटल आप टेम्परेचर भी देख सकते हैं आउटसाइड का, यानी सॉरी डिजिटल टेम्परेचर आपको यहाँ पे इनसाइड का देखने मिलेगा, आउटसाइड का यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। जस्ट नीचे आपको यहाँ वायरलेस चार्जर मिल जाता है जिसको आप ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। 2 आपको टाइप ए मिल जाते हैं USB पोर्ट के साथ में, 12 वोल्ट का यहाँ सॉकेट मिल जाता है। 2 आपको कप होल्डर मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको CVT गेयरबॉक्स मिल जाता है 6 स्पीड के ऑटोमेटिक के साथ में, जिसके अंदर आपको पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और स्पोर्ट्स के लिए मिल जाता है। इसके रिवर्स कैमरे की क्वालिटी भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इसको ऐसे दबाएंगे तो रिवर्स गियर इंगेज होने के बाद कुछ कैमरे क्वालिटी ऐसी मिलती है। ये अभी इस पर एक पॉलीथीन लगी हुई है इसलिए आपको विजिबिलिटी अच्छे से नहीं दिख रही। यहाँ से इसको आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। वैसे कैमरे क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। ये थैली हटने के बाद, यानी जो पॉलीथीन लगी है ब्लू कलर की, इसलिए प्रॉपर नहीं दिख रही है। इसको कर देते हैं वापस पी पे। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है, आपको शिफ्ट करके आप चला सकते हैं। स्पेस मिल जाता है, हैंड ब्रेक के लिए प्लेसमेंट, यहाँ पे आर्म रेस्ट मिल जाता है जिसपे भी फैब्रिक का यूज़ करा गया स्टिचेस के साथ में। इसको ओपन करने के लिए कुछ ऐसे कर सकते हैं। स्पेस आपको यहाँ डिसेंट मिल जाता है, इसको कर देते हैं लॉक। यहाँ पे इसके ग्लव बॉक्स की बात करें कुछ इस टाइप से ओपन होगा। यहाँ कार की मैनुअल डायरी और फर्स्ट एड किट के लिए मिल जाता है आपको ऑप्शन। यहाँ पे मेरे हिसाब से आप आराम से छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। इधर 1 लीटर की बोतल रख सकते हैं, छोटा मोटा और सामान, विंडोज़ के लिए कंट्रोल, यहाँ पे फैब्रिक का यूज़ करा गया है, स्पीकर रिप्लेसमेंट, टूटे रिप्लेसमेंट वहाँ मिल जाती है। इसके IRM की बात करें तो इस टाइप से आपको ऑपरेट करना पड़ेगा मैनुअली। यहाँ पे आपको फ्रंट के अंदर लाइट मिल जाती है LED के अंदर, जिसके अंदर पर्टिकुलर इस टाइप से भी ऑन कर सकते हैं और डोर पर रखना चाहे तो वो भी रख सकते हैं। 1 टच आपका सनरूफ ओपन हो जाता है कुछ इस टाइप से और काफ़ी यूज ओपन हो जाता है इजीली। मेरे हिसाब से मीडियम हेल्थ के होंगे तो 2 जने इजीली निकल सकते हैं। इसको कर देते हैं आगे। जो पीछे जाएगा तो ब्लाइंड ऑटोमेटिक पीछे चल जाएगा, आगे आने के बाद आपको इस टाइप से मैनुअली ही आगे लेना पड़ेगा। इधर मिल जाता है आपको प्लेन और इधर मिल जाता है आपको वेंटी मिरर, इधर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है और इधर ड्राइवर साइड आपको नहीं मिलता है। स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक बोथ मिल जाता है। यहाँ साइड में आपको लेदर ग्रिप मिलती है स्टिचेस के साथ में। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट के लिए और आपके क्लस्टर के लिए बटन मिल जाते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस के लिए, वॉल्यूम के लिए, सॉन्ग चेंज करने के लिए, सोर्स के लिए, फ़ोन उठाने काटने के लिए और वॉइस कमांड के लिए और बैक के लिए मिल जाता है। ये CVT गेयरबॉक्स है तो इसके अंदर आपको पैडल शिफ्टर मिल जाता है। यह माइनस के लिए मिलता है आपको गियर डाउन करने के लिए और प्लस के लिए मिलता है गियर अप करने के लिए। यहाँ पे आपको फ्रंट और रियर के वाइपर कंट्रोल यहाँ पे मिल जाते हैं। आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट के लिए कंट्रोल जिसके अंदर आपको ऑफ करनी है, DRL चालू करनी है, हाई बीम साथ साथ इंडिकेटर के लिए यहाँ मिल जाता है। इसके अंदर एक्स्ट्रा में एक बटन मिलता है, इस बटन को आप जैसे दबाएंगे आप देख सकते हैं जो आपको लेफ्ट वाला ORM है उसके अंदर एक कैमरा मिलता है तो यहाँ से कैमरा चालू हो जाता है कुछ इस टाइप से। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इनकेस आप कहीं हैवी ट्रैफिक के अंदर चलते हैं। तो डिजिटल आपको यहाँ पे क्लस्टर मिल जाता है, इस क्लस्टर के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। वैसे तो यहाँ पे आपको RPM के लिए, इधर आपको स्पीड के लिए मिलते हैं, यहाँ पे आपको फ्यूल के लेवल मिल जाते हैं, यहाँ पे डिजिटल स्पीड मिल जाती है, अभी पार्किंग मोड पे तो वो देखने के लिए मिलता है, आउटसाइड टेम्परेचर, एग्जिट आपको किलोमीटर मिल जाते हैं। अगर इसको ऑपरेट करना है एक तो यहाँ पे बटन मिलता है होम के लिए तो इस टाइप से आप ऑपरेट कर सकते हैं। अगर स्क्रॉल करना है तो कुछ इस टाइप से आप स्क्रॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं हाई हिल असिस्ट के लिए, फ्यूल के लेवल के लिए मिल जाता है यानी फ्यूल लो है उसके लिए, ड्राइविंग केयरफुल सिस्टम के साथ मिल जाता है। अभी इसके अंदर यहाँ पे जैसे मैंने अभी स्टार्ट नहीं करेगी तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू स्टार्ट इंजन, ब्रेक प्लस आपको पुश करना है यानी इसको बटन को दबाना है ब्रेक दबा के, उसके बाद आपकी कार स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको, कस्टमाइज डिस्प्ले, टैकोमीटर के लिए, रेंज और फ्यूल के लिए, स्पीड टाइम के लिए, जी मीटर के लिए, सेटिंग्स के लिए, कस्टमाइज डिस्प्ले के लिए। इस टाइप के अंदर आप कस्टमाइज डिस्प्ले करके आप इसके अंदर जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे बैक जाकर इसके अंदर इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप कस्टमर डिस्प्ले कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे आपको ये चीज़ें हटानी है रेंज फ्यूल वाली तो वो हटा भी सकते हैं अपने हिसाब से।
ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। होंडा का लोगो या एयरबैग रिप्लेसमेंट मिल जाती है। ओवरऑल डैशबोर्ड कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाता है। इसके सेफ्टी वाइज फीचर्स की बात करूँ तो कार के अंदर ओ स्पीड वार्निंग मिलती है जो बीप करता है 80 पे, 120 पे कार कंटिन्यू बीप करने वाली है। इसके अंदर आपको 5 पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट वार्निंग मिल जाती है। और बात करें इसके अंदर ब्रेकिंग ट्रैक्शन के अंदर, तो कार के अंदर आपको ABS मिलता है, EBD मिल जाता है, ब्रेक असिस्ट मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिल जाता है, हील्ड होल्ड कंट्रोल मिल जाता है और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के साथ मिल जाता है। इस वेरियंट के अंदर आपको टोटल 6 एयरबैग मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको एक इधर मिलता है, एक इधर मिलता है, साइड कर्टन्स के लिए मिल जाता है और सीट के अंदर मिल जाता है फ्रंट की को पैसेंजर और ड्राइवर साइड की। सीट की बात करें तो मैंने ऑल दो पूरी पीछे कर रखी है, तो देख सकते हैं थाई सपोर्ट अच्छा खासा, नी रूम अच्छा खासा मिल जाता है, हेडरूम भी मुझे काफ़ी अच्छा मिल जाता है। मेरी हाइट 5'11" तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ फ्रंट के अंदर। और पीछे की साइड में देख सकते हैं यहाँ पे ग्रिप भी अच्छी खासी मिल जाती है। अगर सीट बेल्ट लगा रखी है तो इनकेस कार को मैं 60-70 की स्पीड में टर्न लेता हूँ तो जल्दी से कार के अंदर कोई आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं, जैसे होता है ना बॉडी रोल, वो इसके अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि प्रॉपर इसके अंदर सारी फंक्शन मिल जाते हैं आपको ब्रेकिंग ट्रैक्शन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाती हैं। तो फ्रंट के अंदर मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनकेस अगर मुझे कार चलानी है तो मैं 600-700 किलोमीटर इजीली चला सकता हूँ। अगर सिंगल हूँगा, फैमिली के साथ हूँगा तो थोड़ा मुझे रुक के चलाना पड़ेगा। बाकी काफ़ी कंफर्टेबल है, सीट वीट सब कुछ और विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अब चलते हैं इसकी मिडल वाली सीट पर। कार की लास्ट रो के अंदर मैं आ चुका हूँ, इधर देख सकते हैं नी रूम अच्छा खासा, थाई सपोर्ट अच्छा खासा, हेडरूम भी मुझे अच्छा खासा मिल रहा है। पीछे की साइड में मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ, ये सीट पूरी पीछे होने के बाद भी अच्छा खासा है, नी रूम मिल रहा है। तो यहाँ पे नी रूम के अंदर, थाई सपोर्ट के अंदर और हेडरूम के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ आपको। होंडा एलिवेट के अंदर काफ़ी अच्छा पीछे की साइड में भी स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर के लिए मिल जाता है और इधर भी मिल जाता है। इनकेस किसी की हाइट 6'5" होगी तो वो पूरी पीछे करके भी चलाएगा, और मेरे जैसा हाइट का बंदा यानी 6 फिट का भी होगा तो काफ़ी कंफर्टेबल बैठ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे पूरी बेंच मिल जाती है। अगर इनकेस आप 4 जने हैं जिसके अंदर चारों आप हेल्दी हैं यानी लार्ज हेल्थ के अंदर, तो 4 अडल्ट 1 आप बच्चा बैठा सकते हैं। अगर मेरी हेल्थ के हिसाब से होंगे यानी मीडियम हेल्थ के अंदर, तो 5 अडल्ट इजीली बैठ के जा सकते हैं लॉन्ग ट्रिप पे। पीछे से कार का डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखने मिलता है। यहाँ पे आपको AC वेंट्स के लिए कंट्रोल मिल जाता है, जिसको पर्टिकुलर आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं और इस टाइप से भी इनको आप ऑपरेट कर सकते हैं। जस्ट नीचे आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, छोटा सा हम मिलता है, बट आप इजीली यहाँ से ऐसे खिसक के बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख सकते हैं ये सीट थोड़ी आगे, उसके बाद नी रूम, फिर भी यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा आपको नी रूम, थाई सपोर्ट, हेडरूम सब अच्छा मिल रहा है पीछे की सीट के अंदर। यहाँ पे आपको स्पीकर रिप्लेसमेंट है, फिर यहाँ पे 1 लीटर की बोतल ले सकते हैं, विंडो सील कंट्रोल फैब्रिक का यूज़ करा गया है। यहाँ पे आपको डोर लीवर मिल जाता है मैट फिनिश के अंदर, सिल्वर फिनिश के साथ में। और यहाँ पे आपको इनकेस आफ्टर मार्केट है कंपनी से टूटर लगवाना तो वो भी लगवा सकते हैं, प्लेसमेंट आपको दे रखी है, सेम टू सेम आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे पीछे के साइड में आपको कैबिन की लाइट मिल जाती है, जैसे पर्टिकुलर ऑफ है, ये आपको डोर के लिए, और पर्टिकुलर ऑन करने के लिए मिल जाती है LED लाइट। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है और इधर आपको ग्रैब हैंडल हुक के साथ मिल जाता है। तो पीछे के साइड में काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी मिल जाती है, विंडोज एरिया काफ़ी लार्ज मिल जाते हैं फ्रंट से, तो जल्दी से आपको घुटन महसूस नहीं होने वाली। और बात करें तो यहाँ पे 2 सीट बेल्ट पॉइंट मिल जाते हैं, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। मिडल वाले के लिए इस टाइप से आपको नॉर्मल मिलता है, यहाँ आपको आइसोफिक्स के लिए मिल जाता है। अब चलते हैं कार के इंजन बे की तरफ में और इंजन के बारे में बात करते हैं। कार का हुड ओपन होने के बाद देख सकते हैं इंजन बे कुछ ऐसा देखने मिलता है। ऊपर साइड के अंदर आपको इंसुलेशन मिल जाता है। इसके इंजन की बात करें तो फ्रंट व्हील ड्राइव मिल जाता है, 6 फेस्ड वाला इंजन है। ओवरऑल इंजन बे कुछ ऐसा देखने मिल जाता है। नीचे से आपको इंजन पूरा पैक देखने के मिलता है। इसके इंजन की बात करें तो 15 cc का इंजन मिलता है 4 सिलेंडर के साथ में पेट्रोल के अंदर, जो पावर प्रोड्यूस करता है 119 bhp। टॉर्क की बात करें तो 145 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ARI ने इस कार का एवरेज क्लेम करा है 16.92 किलोमीटर का, बट आप इसको नॉर्मली 100 के हिसाब से चलाएंगे यानी 80-100 हाईवे पे, तो आप इसके अंदर 20 प्लस का एवरेज निकाल सकते हैं और सिटी के अंदर आप 12 से 15 का एवरेज निकाल सकते हैं। मेनली ही आपके चलाने पर डिपेंड करेगा और रोड की कंडीशन पर डिपेंड करता है। ओवरऑल इंजन भी काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल जाता है। पीछे साइड में आपको फ्यूल टैंक भी बता देता हूँ मैं, तो यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो 40 लीटर का आपको पेट्रोल का टैंक मिल जाता है। कुछ इस टाइप से इसको आप ओपन कर सकते हैं, क्लोज करने के लिए मिल जाता है। थोड़ा करते हैं बंद, फिर कार की एक्स शोरूम प्राइस की बात करते हैं। अब बात करते हैं कार की एक्स शोरूम प्राइस की। तो ऑल न्यू होंडा एलिवेट VX CVT गेयरबॉक्स की आपको एक्स शोरूम प्राइस मिलती है 15,10,000 एक्स शोरूम जयपुर राजस्थान के अंदर। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को अपन यहीं एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।